हेलो स्टूडेंट, मैं हेलो सर। आज हम क्लास 12 में चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के अंदर लेक्चर 10 में पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। हमने इससे पहले सारा सर्किट पढ़ चुका हूं मैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर हो जिसका इंडक्टेंस एल हो, कैपेसिटर हो जिसका कैपेसिटेंस सी हो, और रजिस्टर हो जिसका रजिस्टेंस आर हो। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इम्पीडेंस निकालना और ये डायग्राम कैसा बनेगा, सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, और फैक्टर क्या होगा, और रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, और ये पता करते हैं। ये लिख करते हैं सिंपल। देखो आप पहले आप एल सी आर एक ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें एल सी आर बना हो। एल मतलब कॉइल, क्या बना हुआ कॉइल बना हो। देखो कॉइल कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट ले लो, रजिस्टर ये रहा रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस इसको लगातार एसी सप्लाई से जोड़ दो। क्या करो इसको लगातार एसी सप्लाई से जोड़ दो। ये रहा एल, ये रहा सी और ये रहा आर। यहाँ पे इसका वोल्टेज है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये यहाँ से आई करंट फ्लो कर रही है, वापस में आई करंट आ रही है। इसके लिए ये मत होगा, ये मत होगा, वो होगा ई एल इक्वल टू वॉट आई एक्स एल। इसके लिए ये मत होगा ई सी इक्वल टू आई एक्स सी, और इसके लिए होगा ई आर इक्वल टू आई आर। बात करें हम इनके फेजर डायग्राम की, तो रजिस्टर में क्या होता है करंट और पोटेंशियल सेम फेज में। ये रहा आई, ये रहा इसके लिए ई आर। इंडक्टर में क्या होता है करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। ठीक है, ये रहा इसके लिए करंट आई, वोल्टेज को लीड करा दो। ये रहा ई एल, ई एल लीड कर रहा है मतलब पाई बाई टू से। इसमें क्या होती है करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है। करंट को हमने सब पे आई लिया है, एस एच एस को लिया होगा, तो आई एल उधर और यहाँ तक आएगा, ई सी जो होगा वो क्या करेगा लैग करेगा। अब देखो इन सब में एक बात कॉमन है, करंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे है। तो इसका बना दो फेजर डायग्राम, सिंपली बना लो फेजर डायग्राम बना दो ड्रा कर लोगे तो क्या पाओगे आप। देखो यहाँ देखो फेजर डायग्राम बनाना है, आप एंटर बनाओ ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर की ओर। ये रहा आपका क्या ई एल, जी एल लिखा दो। नीचे पर क्या है ई सी, यहाँ ई सी लिखा दो। इधर की ओर क्या है आपका ई आर आई है, लिखो यहाँ पर। ये रहा आपका ई आर आई सब इधर ही है। यहाँ पर एल जो है इंडक्टर लगा कर ई एल क्या है बड़ा है इससे ई सी से, तो उसमें सपोज कर दो ई एल क्या है ग्रेटर देन ई सी। जब ई एल बड़ा है ई एल और ई सी का रिलेटिव कहाँ होगा ऊपर के होगा, ये कराएगा इसका रिलेटिव क्या ई एल माइनस ई सी। क्लियर? एक वेक्टर ये है ई एल माइनस ई सी, दूसरा वेक्टर ई आर है। अब मेरे पास ई एल और ई सी कुछ नहीं है क्योंकि ई एल और ई सी का रिलेटिव ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इन दोनों का रिलेटिव यहाँ जा रहा है जिसका नाम है ई, क्योंकि ई आर से बना रहा है अपना फाइव एंगल बना रहा है। ड्रा कर दो यहाँ पूरी बता रहे थे ऐसे। देखो आप यहाँ बता जाएगा आपका ये ई एल माइनस ई सी है, तो ये भी ई एल माइनस ई सी होगा। क्लियर? ये ई आर है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर। ओ इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी। अप्लाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। नाम लगाना है आपको है ओ ए बी में, नाम लगाना है ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? यहाँ पर क्या जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ई आर स्क्वायर प्लस ये जो है ये है ई एल माइनस ई सी होल स्क्वायर इक्वल टू आई आर। यहाँ पर जोड़ रहा है आई और जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इंपेडेंस है। यहाँ पर ये ई आर, ये रहा आई आर का होल स्क्वायर। ई आर रखोगे आई एक्स एल, ई सी रखोगे आई एक्स सी। आई कॉमन है बाहर आएगा, स्क्वायर आई स्क्वायर जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर आपको एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन लोग कट कर दो, जेड स्क्वायर कितना आएगा आपका यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो जेड निकाल लोगे आप यहाँ से आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा वो प्लस
एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कहाँ पर, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर, जल्दी सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे बाद में आप इसको रिविजन करने बैठो तो आपको आ जाएगा। एक जेड इक्वल टू आर आएगा, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सएल होता है ओमेगा है माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर, एक्सएल ओमेगा है माइनस एक्स सी वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर लगाना। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं, आपकी ये कितना एंगल होगा, हमें एंगल निकालना है, उसके बाद करना है कि सर्किट में क्या क्या हो सकता है। क्लियर, क्लियर आप इम्पीडेंस जो हमें निकाल लिया। अब बात करते हैं मैं यहाँ पर डायरेक्शन के लिए बात कर रही हूँ, डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी। क्लियर, अब देखो यहाँ पर आपने एक बात गौर करो, यहाँ पर टेन फाइव निकालना है, क्या होता है परपेंडिकुलर मान में बेस, क्या है परपेंडिकुलर, ये है इसका नाम क्या है EL माइनस EC, बेस कितना है ER। क्लियर, ये कब के लिए है आपके, देखो इफ EL ग्रेटर देन इससे EC है तो सर्किट क्या होगा, देन सर्किट इज क्या प्योरली EL बड़ा है, EL क्या है बोलते हैं इसको हम इंडक्टिव, इंडक्टिव कैसी होगी प्योरली इंडक्टिव होगी। क्लियर, यहाँ आपको और चेंज करना अगर है ईयर क्या जाएगा आई एक्सएल, आई कॉमन में पड़ जाएगा, बोल जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपान में एक आर भी हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी बात, जब सर्किट इंडक्टिव होगी तो यार बाय में करंट क्या करती है लैग करती है, कितना होता है डिफरेंस पाई बाय टू होता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो इसके लिए जो करंट की वैल्यू आएगी सर्किट के लिए कितनी आती है, आई इक्वल टू आई नॉट और क्या साइन ओमेगा टी था, करंट लैग करती है कितना पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू करो, ये आती है करंट की वैल्यू आती है कितनी है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, मतलब सर्किट में क्या हो केवल एल लगाओ दो चीजें लगाओ। अब देखो एक ई सी ग्रेटर देन ई एल हो तो यहाँ पर टेन फाइव आ जाएगा, टेन फाइव क्या जाएगा आपका ई एल था, यहाँ पर जब क्या जाएगा ई सी माइनस ई एल अपान किया ई आर और चेंज करोगे इसको आप जाएगा आपका एक्स सी माइनस एक्स एल अपान किया आर, इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ई सी बढ़ा तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कौन सर्किट है ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, अब कैपेसिटिव प्योरली करेंट लीड करती है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और क्या प्लस पाई बाई टू, जो कि यहाँ पर ये हो गया। जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है। चलो देखो तो कब कैपेसिटी होगा कब इंडक्टिव होगा, जो बात क्लियर हो गई, ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो इंडक्टिव, ये बड़ा है तो कैपेसिटिव। अब बात करते हैं तीसरे केस की, कब हम कहेंगे सर्किट क्या है मेरे पास रजिस्ट्री सर्किट मेरे पास कब है, हम तो उसके बारे में बात करेंगे, वो देखते हैं सर्किट रजिस्ट्री कब होगी। ये एग्जाम बहुत सारा टॉपिक है, ये भी थर्ड केस यहाँ पर ई इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड केस इफ ई एल क्या होगा बराबर होगा कैसे ई सी के, दोनों बराबर हो जाए टेन फाइव निकालो बराबर क्या रहेगा आपका ई एल माइनस ई एल अपान में ई आर कितना आएगा जीरो, फाइव कितना आएगा जीरो, मतलब करंट और वोल्टेज में कितना होता है डिफरेंस जीरो होता है, ये होता भी है। इस केस में बोलोगे आप प्योरली क्या रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट बोलोगे इस केस में, मतलब सर्किट में केवल प्योरली रेजिस्टिव रहेगा, उस टाइम आई कितना आता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जीरो टू, आई जीरो है जीरो की वैल्यू नहीं है आपने पढ़ा होगा क्या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इन सबके लिए जो पावर फैक्टर होगा सेम होगा, पावर फैक्टर वो क्या होता है कॉस फाई, वो क्या जाएगा आर बाई क्या जेड, पावर फैक्टर क्या जाएगा आर बाई जेड, और यहाँ पर जेड क्या है इम्पीडेंस आपका है जो हमने पीछे निकाला था। क्लियर, ये बात पूरी हुई एल सी आर सर्किट की, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे
कि क्या है फ्रिक्वेंसी कंडीशन, क्या है एलसीआर सर्किट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे और हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालने की बात करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।